नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट वाईफाई स्विच के बारे में। तो आप कैसे इसे यूज कर पाते हैं डिवाइस को, जो इसका प्राइस है बहुत ज्यादा चीपेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि जैसे कि मैंने गूगल डिवाइस ले रखा है तो मैं इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। तो आप अपने मोबाइल फोन से भी अपनी कोई सी भी लाइट जो कि नॉर्मली आप स्विच से ऑन ऑफ करते हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी अपने कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे मैं आपको सब कुछ अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कनेक्शन की, इसके कनेक्शन कैसे होने। और दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि ये सिंगल वे, इसके बहुत सारे यूजफुल आते हैं, जैसे कि 4 वे आते हैं, 3 वे आते हैं। तो इसका हमने एक मतलब बोर्ड बनाया था, जो कि नॉर्मली आप मोबाइल चार्ज करते हो तो वहां पे यार कैसे पता चले कि मैं 3 बजे तक चार्ज होने के बाद ही फुल हो जाता है और मैं 3 बजे नहीं उठ सकता। तो वहां पे आप टाइमर लगा भी सकते हो, तो वो वीडियो यहाँ पे आ रही है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बात करें होम मेड स्विच के बारे में, तो स्मार्ट स्विच के बारे में, तो इसे कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वो चलते हैं, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको इफेक्ट पड़ जाएगा कि ये ट्यूबलाइट का स्विच है, और इसे क्योंकि मुझे मैन्युअली जाके ऑन ऑफ करना होता है। तो अब मैं इस पे ये होम मेड का डिवाइस इंस्टॉल करने वाला हूँ। कैसे इंस्टॉल करने वाला हूँ तो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं इसे। तो सारे बोल्ट मैंने खोल लिए थे, बस ये लास्ट बोल्ट रह गया है। एंड ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो तार जा रही है, तो ये इस वाली ट्यूबलाइट की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से ये वाली वायर निकाल लेंगे। और ये हमने यहाँ से निकाल ली। अब निकालने के बाद दोस्तों, अब इसमें करंट नहीं है एक्चुअली, आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, क्योंकि ये जल जाती है। करंट वाली जो चीज़ है वो जलने लगेगी मतलब। तो अब हमें दो चीज़ करनी है। सबसे पहले तो हमें इसमें इनपुट देना है जिसमें पावर आ सके। तो सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट दोनों पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम आउटपुट वाले को खोल रहे हैं पहले। अब बहुत सारे लोगों का एक कहना होगा कि यार ये तो एक वायर है और आउटपुट में हमें 2 वायर देनी होती है, तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसमें पावर जानी चाहिए क्योंकि इसका न्यूट्रल ऑलरेडी लगा हुआ है ट्यूबलाइट में। तो हम इसमें पावर वाले बटन पे जो है वो इसे ऑन करेंगे और हल्की सी वायर को काट लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी वायर मैंने जोड़ी है। तो यहाँ पे हमने लाइन वाली वायर में इसे जोड़ रहे हैं फिलहाल अभी, और यहाँ पे और सिर्फ सिंगल ए की वायर आउटपुट में हमने जोड़ी है इसमें, और यहाँ पे इसे हम अब हम खोल रहे हैं इनपुट, मतलब इसमें जो पावर देनी है अब हमें वो वाली लाइन। यहाँ पे हम बहुत पतली वायर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप मोटी का भी यूज़ कर सकते हैं। और
यहाँ पे हमने न्यूट्रल एंड फेस दोनों जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में हमें कंपलसरी ऑप्शन है कि दोनों आउटपुट देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो पेज निकाले हैं वो लगा देते हैं। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम प्लग के अंदर ही उसे ऑन ऑफ, मतलब हम ऑन रखा करेंगे लेकिन ऑन ऑफ जो है प्लग के अंदर ही रखेंगे, तो इसलिए हम तो यहाँ पे आप करंट देखेंगे लेकिन सेकंड वाले में करंट नहीं है क्योंकि ऑफ कर रखा है हमने स्विच, और इसे न्यूट्रल में भी मिलाना है हमें, तो हम न्यूट्रल में भी इधर कहीं देखेंगे इसका जुगाड़। फर्स्ट इसे हम इसमें जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने फेस से तो जोड़ दिया, अब हमें न्यूट्रल भी देना है, तो न्यूट्रल के लिए हम जगह देखते हैं कि शायद हम यहाँ से दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये ऑन नहीं हुआ है, अब हम इसका प्लग ऑन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइट दिख रही है और लाइट ऑन हो गई है, और मैं इसे यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे ऑन रखते हैं। अब हम करेंगे इसे मोबाइल से कनेक्ट, और इसे कैसे रखना है, रखने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि करंट का कहीं से भी कोई हिसाब नहीं है इसमें, तो इसे हम बोर्ड को इस तरीके से ही अंदर डाल देंगे और यहाँ पर एक पेच लगा देंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने पूरा प्रोसेस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए बनता है क्योंकि जो डिवाइस है हमने सिर्फ आउटपुट में एक वायर निकाली थी जो कि ट्यूबलाइट में, जो लोग कनेक्शन करते हैं वो इजीली समझ गए होंगे, जो नहीं करते मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम कोई चार्जर को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एटलीस्ट दो इनपुट देने होते हैं क्योंकि रिले वर्क करती है वाईफाई से कनेक्टिविटी, तो एटलीस्ट उसमें दोनों पावर जाएंगी, तो इसलिए हमने इनपुट में तो दोनों पावर दी माइनस प्लस, लेकिन आउटपुट में सिर्फ प्लस निकाली, क्योंकि ट्यूबलाइट की बात की जाए न्यूट्रल कनेक्शन जो है वो इंटरनली आपस में कनेक्ट है, सिर्फ हमें आउटपुट के तौर पे प्लस देना होता है, तो माइनस ऑलरेडी इंटरनली कनेक्ट था, तो हमने जो मेट का डिवाइस है, होम मेट का डिवाइस है, तो उसमें हमने सिर्फ प्लस आउटपुट निकाला और ईजली। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये वाली ट्यूबलाइट हमने अपने कमरे की कनेक्ट की है, तो यहाँ पर मैं और ये, तो आप देखेंगे क्योंकि मैनुअली भी रखना था मुझे, ऑटो भी रखना था। अब दूसरी चीज़ है कैसे मैं इसे वॉइस कंट्रोल कर पाऊँ, तो दोस्तों हमारा गूगल नेस्ट थोड़ा सा दूर रखा है, तो मैं बोलूँगा तो ईजली वो वर्क कर लेगा, आप भी सुन पाएंगे, तो दोस्तों ट्राई करते हैं क्या होगा। ओके गूगल, स्विच ऑफ टी टू लाइट, मैंने जो नाम रखा है वो टी टू लाइट रखा है इस लाइट का। ओके, टर्निंग द टी टू लाइट ऑफ, तो आपने गूगल की आवाज़ सुन ली, एक बार इसे ऑन करके देखते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑन टी टू लाइट। ओके, टर्निंग ऑन द टी टू लाइट। अभी आपने ये देखा कि मैंने ऑन ऑफ किया था ऑनलाइन पे, तो मतलब तब लाइट ऑन थी, तो ऑन ऑफ पे, ऑफ पे तो बंद भी जा रही थी, ऑन पे लाइट जल जा रही थी, अब बंद करके ऑन ऑफ करके देखते हैं। ओके गूगल, टर्न ऑफ टी टू लाइट। तो यहाँ पे टी टू लाइट ऑफ हो गई, क्योंकि मैंने, क्योंकि ज़्यादातर लाइटें सब इंटरकनेक्टेड है, मैं कोई भी ऐसा नाम रखता, रूम स्टूडियो कैमरा ये सारी ऑलरेडी है फिक्स, इसलिए यहाँ पे हमने ऑफ करा और यहाँ पे हम ऑन करते हैं, दैट मीन्स ये है कि ये कोई जलेगी नहीं, तब तक मैं आप कमांड नहीं दूंगा वॉइस से अपनी, तब तक यहाँ पे कोई मेरी जो लाइट है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी किसी कंडीशन में। ओके गूगल, टर्न ऑन टी टू लाइट। तो आप देख रहे होंगे कि मैं ऑन ऑफ़ कर दे रहा हूँ, मेन सर्किट ऑफ कर दे रहा हूँ, तब भी बहुत जल्दी कनेक्टिविटी गूगल से पकड़ ले रहा है, तो इसका जो कनेक्टिविटी, जैसे कि पावर कनेक्ट होती है तुरंत ही वाईफाई पर लग जाता है, डेट मीन्स ये है कि बस मुझे 5 से 10 सेकंड का टाइम देना है और
वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा दूर होता है, वाईफाई रेंज कम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकता है, 15 से 20 सेकेंड, है ना। तो दोस्तों बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकता है। अब आता है कि सर्किट के कनेक्शन कैसे समझे, तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे आ रही है, आप क्लिक करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से आपको इसके सारे कनेक्शन और किस प्राइस सेगमेंट में पड़ जाता है और क्या क्या इसके अंदर खासियत मिलती है और इसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर पाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने इसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाई, वहाँ पर आप कनेक्शन सारी डिटेल समझ लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।